वेलकम एवरीवन। आज से हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट का नाम है कंप्यूटर्स एज डेटा एनालिसिस इन प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट। ओके, सो इसमें तीन टॉपिक हैं, मेजर टॉपिक्स हैं। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक खत्म करें। जो सिलेबस में है वो तीन टॉपिक्स हैं, CDS क्रोमेटोग्राफिक डेटा एनालिसिस, और सेकेंड टॉपिक है लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम LIMS एंड टेक्स्ट इंफॉर्मेशन मैनेज सिस्टम, ये थर्ड है। आज हम लोग कोशिश करेंगे CDS को फिनिश करने के लिए। इसमें हम लोग देखेंगे क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, उसकी हिस्ट्री क्या है, फिर क्रोमेटोग्राफिक डेटा क्या होता है, क्रोमेटोग्राफ क्या होता है, क्रोमेटोग्राफ डायग्राम क्या होता है, लाइक दैट। फाइन, तो आज स्टार्ट करते हैं CDS। CDS में क्रोमेटोग्राफिक डेटा एनालिसिस, देन क्रोमेटोग्राफिक डेटा सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ CDS एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी डेटा सिस्टम, देन आर्किटेक्चर ऑफ क्रोमेटोग्राफ, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बिल्कुल बेसिक से लेकर चलते हैं, क्रोमेटोग्राफी क्या है और इसमें क्या करते हैं हम। ओके, क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक टू आइसोलेट डिफरेंट कंपोनेंट्स व्हिच आर मिक्स्ड इन अ सैंपल। देखो, इसको समझने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, शायद उससे आसानी से क्लियर हो जाए, अदरवाइज लाइन बाय लाइन पढ़ने से थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। पहले देख लो क्या है ये। लेट्स से क्रोमेटोग्राफी मीन्स होता क्या है, क्रोमेटो मीन्स कलर, ग्राफी मीन्स राइटिंग, कलर्स के हिसाब से कुछ सेपरेट किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक टेस्टिंग के लिए ये पॉट है, इसके अंदर या बीकर है या कुछ भी है, इसके अंदर आपका एक सैंपल है, राइट। सैंपल में कंपोनेंट्स हैं ए और बी। ओके, सैंपल के अंदर कंपोनेंट्स हैं ए और बी। हमें क्या करना है, क्रोमेटोग्राफी का यूज करना है और इन दोनों को सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए क्या किया जाएगा, कुछ फेजेस यूज किए जाएंगे, कुछ प्रोसेस होगा, राइट। उस प्रोसेस के थ्रू ए और बी को हम अलग कर रहे होंगे। बाद में जो ए अलग होके आ रहा होगा उसका कलर कुछ और होगा, और जो ये बी अलग सेपरेट हुआ है उसका कलर कुछ और होगा, राइट। सो क्रोमेटोग्राफी क्या है, सैंपल में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अलग अलग सेपरेट करना या अलग अलग करना कलर्स के बेसिस पे क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। फाइन, अब हम लोग देख सकते हैं कि वो डेफिनेशंस क्या हैं और कैसे उन्हें समझ सकते हैं। फाइन, ओके, फर्स्ट लाइन, क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक टू आइसोलेट डिफरेंट कंपोनेंट्स व्हिच आर मिक्स्ड इन अ सैंपल। सैंपल के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग आइसोलेट किया जा रहा है। आइसोलेट आजकल आप लोग बहुत वर्ड सुन रहे होंगे, खुद भी आजकल आइसोलेट हो गए, किसी से बात नहीं करनी, उससे अलग रहना है, राइट। सो आइसोलेशन मीन्स अलग अलग या सेपरेट कर देना कंपोनेंट्स को, ठीक है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो ये प्रोवाइड करती है। सेकेंड लाइन क्या है, अदर डेफिनेशन क्या हो सकती है, क्रोमेटोग्राफी इज अ फैमिली ऑफ रिलेटेड टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक्स किसे फैमिली कहते हैं, फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और कंपोनेंट्स विद इन अ मिक्सचर यूजिंग फेज इक्विलिब्रियम पार्टिशनिंग। ये कुछ टेक्निक्स हैं। देखो क्या कह रहा है कि मिक्सचर है आपके पास, उस मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को अलग अलग करना या मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करना बेस्ड ऑन अ कलर स्कीम इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ओके, देन कुछ मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म की जाती है। क्रोमेटोग्राफी में बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें क्रोमेटोग्राफी डेटा एनालिसिस और सिस्टम्स पे बात करनी, कंप्यूटर के यूज की बात करनी है मेनली। उसके अंदर जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस और टेक्निक्स यूज की जाती है वो सब आप लोग अपने करिकुलम में पढ़ोगे। ओके, सो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, एब्जॉर्प्शन है, पार्टीशन है, आयन एक्सचेंज है और साइज एक्सक्लूजन है। तो इनका बेसिक बेसिक आइडिया मैं बता देता हूँ कि जैसे कंपोनेंट है, अब जैसे मिक्सचर है, मिक्सचर में अगर हम कुछ मिलाते हैं जो क्या करता है, कुछ उसके कंपोनेंट होंगे जो इसके इसके लिए पोलैरिटी रखते होंगे या एफिनिटी रखते होंगे, तो क्या करेंगे, जो नई चीज आपने मिक्सचर में मिलाई है उससे उसकी तरफ वो जो भी है अफेक्शन दिखाएंगे और उससे आके मिल जाएंगे, तो बाकी अपने आप
सेपरेट हो जाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा इधर आके, जो दूसरे शायद फिर से देख लो, इस मिक्सचर में मान लो कंपोनेंट ए और बी थे, प्रॉपर एग्जांपल लेके देख लेते हैं। इसमें क्या कोई थर्ड चीज हमने इन्वॉल्व करी? बी जो था उसकी एफिनिटी इसके लिए ज्यादा थी, जो थर्ड चीज आपने सी डाली है, तो बी क्या करेगा, सी के पास आ जाएगा और ए अपने आप आइसोलेट हो जाएगा, तो दोनों सेपरेट हो गए। तो बी के सी क्या होगा, जो बी को अपने में एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो एब्जॉर्प्शन टेक्निक हो गई। पार्टिशनिंग क्या करता है, पूरे कंपोनेंट्स को कुछ चीज मिलाने से दोनों अलग अलग बाई पार्ट हो जाते हैं। आयन एक्सचेंज में क्या होता है, रेजिन्स होते हैं, कुछ आयन्स होते हैं जो कंपोनेंट्स में, जो अपने मिक्सचर में होते हैं, कुछ आयन्स बनते होंगे, उन आयन्स को क्या होगा, वो रेजिन की तरफ चले जाते होंगे, बाकी दूसरी तरफ चले जाते होंगे। इस तरह कुछ होता होगा कि उस पूरे सैंपल में जो कंपोनेंट्स हैं उनकी साइजेस डिफरेंट डिफरेंट होंगी, तो कुछ थर्ड पार्टी या कुछ थर्ड यूज करके इन साइज के हिसाब से उनके कंपोनेंट्स को अलग अलग किया जाता होगा, राइट? सो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है इनका। अगर आपको फुल्ली पढ़ना है तो लास्ट में कुछ मैं रेफरेंस दे दूंगा, तो वहां से आप इनको पूरी तरीके से पढ़ सकते हो। ओके फाइन, बट मैकेनिज्म्स के नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा कलर, ओके। तो क्रोमेटोग्राफी में जो क्रोमा होता है उसका मतलब होता है कलर, और ग्राफिक जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसे राइटिंग भी कह सकते हो। कलर स्कीम का यूज करके जो हम लोग रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं उनको फाइनली विजुअलाइज कराना ग्राफ्स या चार्ट्स में, वो होता है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ओके सो इसकी अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें, सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी किसने यूज किया था, तो 1903 उस समय माइकल टी वेट थे, जो एक रशियन बोटेनिस्ट थे, जिन्होंने पहली बार क्रोमेटोग्राफी का यूज किया था पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्शन में। उनके उसमें जो उन्होंने सेपरेट किए थे कंपोनेंट्स को, वो थे जैंथोफिल, कैरोटेनॉइड्स और क्लोरोफिल्स। इनको जो अलग अलग किया था उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर दिया था, येलो, ऑरेंज और ग्रीन। क्रोमेटोग्राफी का यूज करके सबसे पहले माइकल ने पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्शन किया था, जिसमें थ्री कंपोनेंट्स उन्होंने एक्सट्रैक्ट किए थे। याद रहेगा 1903, माइकल टी एस वेट। ओके फिर बात करते हैं कि क्रोमेटोग्राफी में फेजेस कौन कौन से यूज किए जाते हैं। तो इस पूरी जो प्रोसेस होता है उसमें दो फेज होते हैं, एक होता है स्टेशनरी फेज और एक होता है आपका मोबाइल फेज। अभी उसमें जो हम लोग फिगर लेंगे, एक प्रोसेस दिखाने की कोशिश करेंगे, उसमें आप लोग समझ पाओगे इसे। देन क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? एक टेक्निक है आपकी नॉर्मल मेथड जो यूज किया जाता है नॉर्मल फेज में, वो होता है कॉलम बेस्ड, और दूसरी होती है प्लेनर बेस्ड। क्या होती है दोनों, अभी थोड़ी देर में देखते हैं। ये नॉर्मल मेथड है, बट अगर इसी का हम लोग रिवर्स करें तो रिवर्स करने पे दो मेथड बनते हैं, कॉलम बेस्ड और प्लानर बेस्ड। क्या दोनों में डिफरेंस होता है वो अभी पता चल जाएगा आपको। फिलहाल दो नाम याद रखो, दो टेक्निक्स हैं आपके पास, एक कॉलम बेस्ड है और एक प्लेनर बेस्ड है। ओके सबसे पहले हम लोग कॉलम बेस्ड वाली देखते हैं। उसमें फेजेस कौन से यूज हो रहे हैं, दो, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज। ये सभी टेक्निक्स में दोनों फेज यूज होंगे ही। ओके अच्छा, अब क्या बात कह रहे हैं, पोलर मीन्स जो पोलर होता है उसका मतलब होता है एफिनिटी, राइट? एफिनिटी या किसी के लिए जो आपका अफेक्शन होता है, जैसे कोई ए कंपोनेंट है, अगर सी कोई अदर सॉल्वेंट है, कुछ भी है, तो ए की अगर सी के लिए एफिनिटी है या पोलैरिटी ज्यादा है, तो क्या करेगा, ए सी के पास भागता चला जाएगा या सी से एब्जॉर्ब हो जाएगा या सी की तरफ चला जाएगा। ओके एक चीज और याद रखो, जो पोलर है कोई अगर कंपोनेंट, अगर इसी तरह पोलर कोई और तीसरी चीज है या सॉल्वेंट है कोई भी है मान लो, तो ये क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसी तरह अगर नॉन पोलर है, ये ए और ये सी क्या है, नॉन पोलर, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। पोलर पोलर की तरफ, नॉन पोलर नॉन पोलर की तरफ, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे नहीं लगेगा। फाइन ठीक है,
तो अब हम इस पे आगे बात करते हैं। तो हमारे पास दो फेजेस हैं, सभी ये जो कॉलम बेस्ड टेक्निक्स है उसमें दो फेजेस स्टेशनरी और मोबाइल हैं। ये क्या है भी बताएंगे। इसमें से जो चीज़ें देखने वाली हैं वो है ओके, जो आपका स्टेशनरी फेज होगा वो पोलर है और जो आपका मोबाइल फेज होगा वो नॉन पोलर है। अभी फिलहाल इतना समझो, स्टेशनरी पोलर, मोबाइल फेज नॉन पोलर। हमारे पास एक सैंपल है जिसमें दो कंपोनेंट हैं ए और बी, उसका हम लोगों को क्रोमैटोग्राफी यूज़ करके और ए और बी को सेपरेट करना है, जिसमें ए कंपोनेंट है वो पोलर है और बी कंपोनेंट है वो नॉन पोलर है। ओके फाइन, ओके। अब हम लोग देखते हैं कॉलम बेस्ड में क्या होता है। सबसे पहले ये कॉलम बेस्ड क्रोमैटोग्राफी और नॉर्मल फेज में है। ओके, नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज क्या होता है, उस फेज पे अभी बाद में आते हैं। पहले देख लो कॉलम बेस्ड में क्या है। कॉलम बेस्ड में क्या है, ये एक तरह का जो आप लोग जो टेस्टिंग के लिए यूज करते हो, उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है, एक फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर कहेंगे इसे या जो भी स्टॉपर है, राइट। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें पहले से एक लिक्विड भरा हुआ है जिसे स्टेशनरी फेज कहते हैं। स्टेशनरी अभी ये अपन भरा हुआ है ना, अभी ना ड्रॉप हो रही है ना कुछ, तो स्टेशनरी फेज हो गया। इसके ऊपर एक सैंपल लोड किया गया है, इस सैंपल में कंपोनेंट मान लो ए और बी हैं, फाइन। अच्छा, स्टेशनरी फेज हो गया। एक थर्ड चीज इसमें ऐड करी गई, मोबाइल, जो थर्ड चीज यूज करी गई, जो कंपाउंड या कुछ भी यूज किया गया उसे बोलते हैं मोबाइल फेज, फाइन। जो ये थर्ड चीज मान लो सी है या जो भी आप कहना चाहो, ये अब देखो क्या हो गया, जो मोबाइल है वो नॉन पोलर है और जो आपका स्टेशनरी फेज है वो पोलर है, ठीक। ये पोलर हो गया और ये नॉन पोलर हो गया। ओके, कंपोनेंट आपका बीच में था। ओके फाइन, यहां तक अगर समझ आ गया हो तो आगे बात करते हैं। इसमें देखो आगे की चीजें देखने से पहले अब ये समझो क्या है, ए आपका पोलर था, बी आपका नॉन पोलर था, स्टेशनरी आपका पोलर है और जो मोबाइल फेज है वो आपका नॉन पोलर है। तो ए मीन्स ये ऐसे पोलर लिख लो और ये बी वाला नॉन पोलर लिख लो, इसी तरह स्टेशनरी लिख लो, यहाँ पे मोबाइल लिख लो, स्टेशनरी आपका पोलर है, मोबाइल आपका नॉन पोलर है, जो पोलर पोलर की तरफ रहेगा और जो नॉन पोलर था वो नॉन पोलर की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे आपने जो सैंपल देखा था उसमें ए और बी हैं। अच्छा, अब उस सैंपल में जैसे आपका येल्लो है, मगर येल्लो पार्ट मान लो आपका येल्लो पार्ट आपका बी है और ये वाला पार्ट आपका ए है। ए हमारा नहीं, सॉरी, येल्लो पार्ट आपका ए है और ये ब्लू वाला पार्ट आपका बी है। तो बी जो मोबाइल आया था, जो मोबाइल था उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और मोबाइल वाली चीज़ इसके साथ अट्रैक्ट होकर तेज़ी से नीचे की तरफ बढ़ेगी। जो बी वाली चीज़ होगी वो स्टेशनरी में रुकने रुकेगा ही नहीं, क्योंकि उसके साथ उसकी एफिनिटी नहीं है। बट जो आपका ए था कंपोनेंट, उसकी एफिनिटी स्टेशनरी वाले के साथ ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि ए भी पोलर है और स्टेशनरी वाला जो मीडियम है वो भी पोलर है, तो वो उसके साथ ज़्यादा देर चिपक के रहेगा या टिक के रहेगा उसके पास। तो बी वाला क्या होगा, अपना चुपचाप मोबाइल है और उस अपने स्टेशनरी के साथ कोई अफेक्शन नहीं है, तो अपना नीचे की तरफ फ्लो करता हुआ चला जाएगा। और जब नीचे की तरफ फ्लो करता हुआ जाएगा, मान लो इसको नीचे की तरफ फ्लो होने में लगा टाइम 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स बाद वो बाहर आ गया। जबकि ये जो था, इससे ये इसकी एफिनिटी या इसकी जो अट्रैक्शन था वो स्टेशनरी वाले के साथ ज़्यादा था, इसलिए वो क्या करेगा, वो वहीं ज़्यादा टाइम बिताएगा। उसे बाहर आने में, यहाँ देखिए बाहर आने में लगभग 1 घंटा लगा। तो इस टाइम डिफरेंस का यूज़ करके जो कॉलम बेस्ड टेक्निक्स होती है, टाइम बेस को यूज़ करती है, जो दोनों में टाइम डिफरेंस होता है बाहर आने में, ठीक है। जो स्टेशनरी के साथ जिसका अफेक्शन होगा वो ज़्यादा देर में बाद में आएगा, और जिसका अफेक्शन नहीं होगा वो चुपचाप अपना जल्दी से बाहर आ जाएगा। तो दोनों देखो, ये अलग बीकर में हो गया, ये अलग बीकर में हो गया, राइट। तो ये दोनों ही अलग अलग सेपरेट हो गए। आई थिंक कॉलम बेस समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो इसे रिपीट करके देख सकते हो, थोड़ा सा पीछे जाओ फिर से देख लो कि अगर क्या क्या दिक्कत है, क्या समझ नहीं आया है। अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये एक पोर्शन है जो स्टेशनरी है, इसके ऊपर मोबाइल है और यहाँ से उसने निकलना है ड्रॉप, ठीक है। इसमें क्या है, एक पहले से सैंपल था,
इस सैंपल में ए थे और बी कंपोनेंट थे, ए पोलर था बी नॉन पोलर था। मोबाइल जो होता है वो नॉन पोलर है और जो स्टेशनरी है वो पोलर है। तो पोलर और पोलर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो जो स्टेशनरी वाला पोर्शन था उसमें ए ज़्यादा देर तक रहेगा क्योंकि उससे अट्रैक्ट हो जाएगा और वहीं पर रहेगा। जो बी है वो नॉन पोलर है और मोबाइल नॉन पोलर है, ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे और मोबाइल वाला जो स्टेशनरी में रुकेगा नहीं बी, और तेज़ी से वो बीकर में ड्रॉप हो जाएगा। फाइन, तो बी जल्दी आ जाएगा और ए लेट में बाहर आएगा। तो उन दोनों के जो टाइम डिफरेंस होगा बाहर आने का, उस डिफरेंस का यूज़ करके हम दोनों को सेपरेट कर लेंगे। आई थिंक अब समझ आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, आप बता रहे थे हम नॉर्मल फेज और उसमें डिफरेंस क्या होता है। जो नॉर्मल और रिवर्स, इसमें क्या है, सिर्फ ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाली चीज़ें, ये डिफरेंट हो जाती हैं। नॉर्मल में हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा स्टेशनरी है और एक मोबाइल है, स्टेशनरी हमारा पोलर है, मोबाइल हमारा नॉन पोलर है। रिवर्स में क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हमारा नॉन पोलर हो जाएगा और मोबाइल हमारा पोलर हो जाएगा। फाइन, ठीक है। तो ये और ज़्यादा कर इसमें पढ़ना, तो यार तुम्हारा फील्ड है, इसमें तुम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो। बाद में रेफरेंस दूंगा तो उसमें और ज़्यादा डिटेल में देख सकते हो, फिलहाल डिफरेंस यही है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी में जो प्लेनर वाली टेक्निक है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें भी सेम चीज़, ये चीज़ें पहले भी देख चुके हो, स्टेशनरी पोलर और मोबाइल नॉन पोलर। इसमें क्या होता है प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में, इसमें एक बीकर होता है, बीकर के अंदर पहले से ही मोबाइल लिक्विड या जो भी कुछ है हमारा भरा हुआ होता है। इसके अंदर हम लोग एक स्टेशनरी, ये देखो एक स्टेशनरी कार्ड होता है या प्लेट होती है जिसको हम लोग डिजोल्व करते हैं या डालते हैं बाद में इसमें। तो होता क्या है, कैपिलरी एक्शन आप सभी जानते हो, कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या होगा, जो हमारा इसके अंदर पहले से ही हमारा सैंपल डाल दिया जाता है। सैंपल में क्या है हमारे, ए और बी, ठीक है। ए हमारा क्या है, पोलर, और बी हमारा नॉन पोलर। ओके, ये चीज यहां से देख लो, ए हमारा पोलर था, बी हमारा नॉन पोलर था। कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या होगा, हमारा जो कंपोनेंट्स हैं वो ऊपर की तरफ इस प्लेट की एक प्लेट के थ्रू ऊपर की तरफ फ्लो होने लगते हैं। कुछ टाइम बाद ये देखो जो रेड वाले हैं, ये रेड वाले कौन से हैं, बी, और जो ब्लू वाले हैं वो हमारे ए हैं। बी वाले तेजी से ऊपर की तरफ बढ़े और यहाँ पे एक सॉल्वेंट होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होके जल्दी से बढ़ जाते हैं, जबकि ए वाले वहीं पे रुक जाते हैं। क्यों, अब जो स्टेशनरी था वो हमारा स्टेशनरी पोलर था और ए भी पोलर था, दोनों अट्रैक्ट हो गए और एक ही जगह बैठे रह गए, जबकि जो बी था वो नॉन पोलर था और हमारा जो ये मोबाइल था वो भी नॉन पोलर था, वो दोनों सॉल्वेंट की तरफ तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ गए। उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि इनिशियल स्टेट ओरिजिनल यहाँ थी कंपोनेंट्स की और बाद में बढ़ते बढ़ते वो यहाँ तक चौथे नंबर या फोर नंबर तक पहुँच गए हैं। तो इनकी जो डिफरेंस है, जो इनका ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मेजर करके कुछ अलग अलग करने की कोशिश की जाती है। क्यों, ये थोड़ा डिफरेंट इस डिस्टेंस पे है तो ये अलग हो गए कंपोनेंट, और ये कुछ डिफरेंट डिस्टेंस पे है ओरिजिन से तो ये कुछ अलग हो गए, तो सेपरेट हो गए। इसके कैलकुलेशन के लिए मैं थोड़ा सा इसमें हमने एक चीज और डाल दी है, यहाँ पे सॉल्वेंट फ्रंट था ऊपर, नीचे ओरिजिन था, यहां से देखो कंपोनेंट से ये येलो मिल गया, ये पर्पल मिल गया, ये ब्लू मिल गया। तो इस तरह से कंपोनेंट डिस्टेंस से, ओरिजिन से डिस्टेंस इनकी डिफरेंट डिफरेंट थी, उस डिस्टेंस का यूज करके हमने इनको अलग अलग सेपरेट कर लिया, ठीक है। कंपोनेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो टेक्निक हमने यहाँ लिख दी, जो हमने डिस्टेंस वाली बात बताई है वही डिस्टेंस वाली बात है। रिजोल्यूशन फ्रंट कहते हैं, जो ये डिफरेंट डिस्टेंस डिस्टेंसेज आई हैं, इनमें कुछ रेशियो निकाला गया है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन रन बाय द कंपाउंड, जो कंपाउंड है हमारा ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस ले गया है। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन रन बाय द सॉल्वेंट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो है, उन रेशियो को निकालते हैं और उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन फ्रंट। इन्हीं रिजोल्यूशन फ्रंट का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। ओके फाइन, तो ये है हमारी प्लेनर। इसमें भी वही रिवर्स फेज वाली सेम चीज है,
अब थोड़े बहुत पॉइंट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं, वो देख लो तो रिवीजन हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी क्या है और ये सब क्या। फाइन, तो ओके, द फार्मास्यूटिकल मेडिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज यूज एन एनालिटिकल टेक्निक कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। सेपरेशन के लिए एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसे यूज करते हैं। इट यूज फॉर डिटेक्शन, डिटेक्ट किया जाता है कंपोनेंट्स को, देन क्वांटिफाई, क्वांटिफाई मतलब मेजरमेंट, राइट, क्वांटिफाई मीन्स मेजरमेंट कि उस पूरे सैंपल में ए की क्वांटिटी क्या थी और बी की क्वांटिटी क्या थी। कंपाउंड्स एट द टाइम ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, फाइन, तो उनको डिटेक्ट करना होता है और उनको क्वांटिफाई करना होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, इट ऑल्सो यूज फॉर टेस्टिंग एंड एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स, रॉ मटेरियल एंड इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज को भी इनसे अलग किया जा सकता है, जब कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल सेपरेट किए जा सकते हैं तो इम्प्योरिटीज को भी अलग किया जाता है। इन्ग्रीडियंट्स मतलब जिनसे मिलकर वो बना है, रॉ मटेरियल मतलब जो इनिशियली कच्चा माल उसमें यूज किया गया होगा। फाइन, तो और क्या चीजें इसमें देखते हो, तो सारी एनालिसिस में चीजें तुमने देखी क्या क्या चीजें हैं, पूरा एक प्रोसेस होता है। अगर मैं बताऊं कि आपके पास एक सैंपल था, सैंपल का यूज, सैंपल उस सैंपल में आपके मान लो कंपोनेंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी इस तरह के थे, हमें क्या करना था, क्रोमेटोग्राफी का यूज करना है और इनको सेपरेट करना है। सेपरेट करने का मतलब क्या है, इनको डिटेक्ट करना है कि कौन कौन से थे, सॉरी डिटेक्ट करना है कि ये कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स थे, और डिटेक्ट करने के बाद उनको क्वांटिफाई करना है। क्वांटिफाई मीन्स उनको देखना, मेजर करना है कि उनकी क्वांटिटी कितनी कितनी थी, राइट। अब इसी को सब कुछ करने के लिए एनालिसिस की जाती है, जिसे क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस कहते हैं, ठीक है, ओके। फिर देखते हैं क्या है, द यूज ऑफ दिस टेक्निक रिजल्ट्स इन अ क्रोमेटोग्राम व्हिच आर, अब क्रोमेटोग्राम की बात की जा रही है जो इस टेक्निक का यूज करके रिजल्ट आए, क्रोमेटोग्राम कहते हैं। अब उस क्रोमेटोग्राम को क्या मतलब होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, जो भी कुछ आपने फाइंड किया है अब तक उनको ग्राफ में कुछ इस तरह दिखाओ कि ये येलो वाला, ये वाइट वाला, ये जो भी इस तरह कलर स्क्रीन के हिसाब से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो। विच आर डिस्प्लेड इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटेड बाई द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी डेटा सिस्टम। अब बात आती है CDS, क्रोमेटोग्राफी डेटा सिस्टम, जिसकी हम लोगों ने कहा था कि ये हमारा टॉपिक है। क्या करते हैं, जितनी भी आपकी क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस की जा रही है, उस एनालिसिस के रिजल्ट्स और जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है, ये CDS एक कंप्यूटर होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है, जहां पे सारी चीजें स्टोर की जाती हैं। स्टोर करने के बाद अब जितनी भी एनालिसिस उसने करी है या जितने भी कंपाउंड्स से जो भी रिपोर्ट्स फाइंड आउट हुई हैं, उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जैसे भी है उनको रिप्रेजेंट करता है। फर्दर यूज भी किया जा सकता है, ये डेटा सिक्योर होगा, अवेलेबल होगा जहां भी आप चाहोगे, राइट। तो ये CDS का काम होता है, पूरे क्रोमेटोग्राफिक डेटा एनालिसिस को स्टोर करना, रिप्रेजेंट करना और रिजल्ट्स प्रोवाइड करना। थर्ड पॉइंट देखने के लिए पहले इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, अ क्रोमेटोग्राफ इज अ इक्विपमेंट, क्रोमेटोग्राफ जो कि हम लोगों ने क्रोमेटोग्राम की बात की जिसमें हम लोग फाइंडिंग्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे। क्रोमेटोग्राफ क्या होता है, इज अ इक्विपमेंट, ये एक तरह का इक्विपमेंट है दैट इनेबल्स अ सोफिस्टिकेटेड सेपरेशन, अच्छी तरह से उनको सेपरेट करना। गैस क्रोमेटोग्राफिक एग्जाम्पल है इसके। क्रोमेटोग्राफ क्या होता है, एक तरह का इक्विपमेंट होता है जिसका काम क्या होता है, कंपोनेंट्स को सेपरेट करना। एग्जाम्पल क्रोमेटोग्राफिक, गैस क्रोमेटोग्राफिक और लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन, राइट। दो तरह के एग्जाम्पल हो गए, एक गैस क्रोमेटोग्राफ और दूसरा लिक्विड, इनके बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हो, ये आपका एरिया है, फाइन, ओके। तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें हो गई, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस हो गई, एनालिसिस उसकी मैकेनिजम्स हो गई, उसके बाद अब क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस की जाती है तो उसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, एक तो बोलते हैं क्रोमेटोग्राम, डिफरेंस इसलिए इसको बता रहे हैं दोबारा ताकि अभी जो जो पढ़ लिया है वो मिक्स ना हो जाए। एक होता है क्रोमेटोग्राफ,
क्रोमैटोग्राफ का यूज किया जाता है कंपोनेंट्स के सेपरेशन के लिए, सोफिस्टिकेटेड सेपरेशन के लिए, एग्जांपल गैस क्रोमैटोग्राफ या लिक्विड क्रोमैटोग्राफ। अच्छा, अब उनकी एनालिसिस के लिए जो रिजल्ट्स की फाइंडिंग यहाँ से होती हैं उनको क्रोमैटोग्राम के यूज करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। देखो ग्राफ यहाँ लिखा लेकिन रिप्रेजेंटेशन क्रोमैटोग्राम में किया जाता है। ओके फाइन, तो ये दोनों चीजें देख ली। देखने के बाद अ क्रोमैटोग्राम इज अ विजुअल आउटपुट ऑफ द क्रोमैटोग्राफ, वही जो मैं पॉइंट कह रहा हूँ, क्रोमैटोग्राफ जो सेपरेशन करता है, जो फाइंडिंग्स देता है, उन फाइंडिंग्स का विजुअल आउटपुट जो होता है वो क्रोमैटोग्राम होता है। इन दोनों में डिफरेंस याद रखना इम्पॉर्टेंट है। फाइन, मल्टी एमसीक्यूज वगैरह इस तरह के बन सकते हैं, क्रोमैटोग्राफ और क्रोमैटोग्राम में क्या डिफरेंस है। ओके फाइन। अच्छा, अभी तक जो चीजें आपने पढ़ी, जो चीजें आपने देखी, अगर आप सोचो क्रोमैटोग्राफिक में अगर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ना होता, कंप्यूटर ना होता, तो क्या क्या इश्यूज आ सकते थे। जितना भी एनालिसिस होती, जो भी कुछ होता, जितने भी रिजल्ट्स होते, आउटपुट्स होते, उन सबको हम लोग पेपर वर्क यूज कर रहे होते और पेपर के थ्रू ही शो कर रहे होते, राइट। आप सभी को पता, अगर पेपर वर्क होता है तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उनका कुछ, हमने यूट्यूब पे वीडियो देखा था जिसमें CDS सिस्टम यूज कर रहे थे, तो दिखा रहे थे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और उनका यूज कैसे कैसे सही हुआ। फाइन, तो हम जैसे जैसे इसमें दिखाते जा रहे हैं, जो बोलते जा रहे हैं उस पर फोकस करते जाना। ओके, एक लैब है, उस लैब में ये डॉक्टर साहब है, ठीक है, ये साइंटिस्ट कह लो ये डॉक्टर साहब है, लैब के हेड है। उन्होंने क्या किया है, अपने पास पूरा लैब का सेटअप रखा जहाँ सैंपल्स वगैरह आते हैं और सैंपल्स वगैरह की टेस्टिंग और जो भी कुछ है वो होता है। ये डॉक्टर साहब हो गए, ये उनकी लैब हो गई। अब लैब में जो भी सैंपल्स होते हैं उन सैंपल्स का क्या होता है, कुछ कैलकुलेशन होती होंगी, स्टैटिस्टिक्स बनती होंगी और उनकी रिपोर्ट जनरेट की जाती होगी, ठीक है, रिपोर्ट जनरेट होती है। अब टेस्टिंग करने के लिए उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होते होंगे, ठीक है, ये टेस्टिंग वाले सारे देखो इक्विपमेंट्स हैं, ये मेजरमेंट के लिए है ये, ठीक है, वो सारे इक्विपमेंट्स होते होंगे। जो रिजल्ट्स आते होंगे उन रिजल्ट्स को पेपर वर्क करके एड सब कुछ स्टोर किया जाता होगा, सारा पेपर वर्क परफॉर्म किया जाता था। तो अब पेपर वर्क होता था तो उनके यहाँ जो काम करते थे साइंटिस्ट वगैरह आते थे, देखते थे, तो वो कहते थे कि हमसे बहुत सारा पेपर वर्क कराया जाता है जिससे हमारा पूरा टाइम का 50-60% सिर्फ पेपर वर्क में ही निकल जाता है। तो जब ये बात थी तो, लेकिन इन्होंने जब कंप्लेन करी तो हमारे जो डॉक्टर साहब थे वो कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बहुत है, तो मैं देखता हूँ अपनी कंपनी में क्या। उन्होंने देखा हमारे यहाँ की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों ही अच्छी है, तो हमें कोई इश्यू जिससे नहीं पेपर वर्क चलने दो, ऐसा कुछ था, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमारे जो लैब ओनर थे, उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास अपनी जो फर्म है, जो लैब है, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग के लिए हम लोगों को कुछ एक्सपीरियंस लोगों को कुछ क्वालिटी टेस्टिंग के लिए बुलाते हैं। तो ये देखो, ये कुछ क्वालिटी टेस्टिंग के लिए आए। इन्होंने क्या किया, सैंपल्स लिए, सैंपल्स लेके उसके सेपरेशन परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद इस बार इन्होंने क्या है कि कंप्यूटर यूज़ किया, वहाँ पे जाके पूरी रिपोर्ट्स स्टोर कराई, मतलब जो भी फाइंडिंग्स थे स्टोर कराई, कैलकुलेशन हुई, कैलकुलेशन होने के बाद रिपोर्ट्स प्रिपेयर करी गई, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने के बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कराया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहाँ पे देखो क्या है, पेपर वर्क न करके जो भी टेस्ट सैंपल या जो भी कुछ कर रहे हैं, तो उसके बाद एक CDS यूज किया, कंप्यूटर डेटा सिस्टम। अब उस डेटा सिस्टम में पूरा डेटा स्टोर किया, तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो गई, और उसके बाद जो रिपोर्ट्स भी थी तो वो अंदर ही उसके कंप्यूटर के अंदर ही एक्सेल पे या कहीं पे भी स्टोर हो गई। उसके बाद अब एक्सेल पे यूज अगर लैब होती तो एक्सेल पढ़ाते, तो उसमें भी दिखाते कि कैसे ग्राफ्स वगैरह बना सकते हैं, तो वो सब ग्राफ्स वगैरह और बढ़िया से डेटा स्टोर हो गया और इनका टाइम अराउंड 60% सेव हो गया, क्योंकि कोई पेपर वर्क नहीं हुआ और जो कैलकुलेशंस थी वो कंप्यूटर के थ्रू हुई थी। फाइन, तो पेपर वर्क के, अब इन्होंने देखा कि जो पेपर वर्क था उसमें बहुत टाइम लगता था और डेटा भी एक्यूरेट नहीं आ रहा था। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग रिप्रेजेंटेशन के लिए भेज सकते हैं या सिस्टम टू सिस्टम डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि और फर्दर अच्छे रिजल्ट्स आ सकें। तो ये यहाँ पे खुश दिखाई दे रही है, क्यों, क्योंकि अब कंप्यूटर यूज हो रहा है। फाइन,
जो टेस्टिंग का डेटा होगा या जो भी डेटा होगा, यहाँ पे दिखाया गया है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। लाइक आपके इंडिया में कोई साइंटिस्ट है, किसी अदर कंट्री में कोई साइंटिस्ट बैठा है, इस तरह से डेटा आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। क्यों क्यों? क्योंकि अब ये इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है, राइट? सो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है और सारी जगह से हमें अच्छे से रिपोर्ट और रिजल्ट्स फाइंड आउट हो सकते हैं। ओके, सो टेस्टिंग के बाद ये पता चला कि अब हमें स्प्रेडशीट्स और पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग सिर्फ कंप्यूटर या CDS सिस्टम ही यूज़ करेंगे, फाइन। तो ये छोटी सी स्टोरी है जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि कंप्यूटर के यूज़ से क्रोमेटोग्राफिक जो ये एनालिसिस थी वो कितनी ईजी होगी, फाइन। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ CDS के, उसमें क्या क्या होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, फाइन। इंस्ट्रूमेंट थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल, डेटा एक्विजिशन वाया एनालॉग और डिजिटल कन्वर्टर, डेटा इंटीग्रेशन, कैलकुलेट एंड रिपोर्ट। फाइल स्टार्टिंग में क्या होते हैं, हमने क्या बताया था, सैंपल कलेक्शन होता है, उस सैंपल में कुछ टेक्निक्स यूज की जाती हैं और उनके थ्रू डेटाग्राम, क्रोमेटोग्राम, सॉरी क्रोमेटो ग्राफ, पहले क्रोमेटोग्राफ का यूज करके क्या होता है, डेटा सेपरेट हो, कंपोनेंट सेपरेट होते हैं, फिर क्या बनता है, क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम का यूज क्या करते हैं हम लोग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए रिपोर्ट्स का। यहाँ पे देखो क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट जैसे क्रोमेटोग्राफ हो गया जिनका यूज किया जाता है, उसका यूज करके सेपरेशन किया, जो डेटा हुआ उसको डेटा एक्वायर किया, एनालॉग फॉर्म में हो सकता है या डिजिटल फॉर्म में हो सकता है। एक्वायर करने के बाद उस डेटा को इंटीग्रेट किया, मतलब डेटा मिक्स किया पूरा, रिपोर्ट्स फाइंड आउट या एनालिसिस कह सकते हो, एनालिसिस के लिए पूरा डेटा कलेक्ट किया गया था, एनालिसिस की गई, देन कैलकुलेट किया गया और रिजल्ट रिपोर्ट दे दी गई, फाइन। तो ये हो गए एलिमेंट्स ऑफ CDS। क्रोमेटोग्राफ में क्या होता है देख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफ में क्या करते थे, डेटा कंपोनेंट्स को सेपरेट करते थे, रन सैंपल्स सेपरेट एंड डिटेक्ट कंपोनेंट्स, ऑपरेट क्रोमेटोग्राफ, ठीक है। इसमें क्या होता, सैंपल्स को रन करते थे, उनमें जो कंपोनेंट्स उन्हें डिटेक्ट करते थे और सेपरेट करते थे। ये जो डेटा एक्वायर होता था उसे डेटा एक्विजिशन कहते हैं, और उसको कंट्रोल किया जाता है, मतलब सिक्योर किया जाता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर किया जाता है, लाइक दैट। वर्क स्टेशन में क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है, एक्वायर किया जाता है, प्रोसेस और रिजल्ट्स को स्टोर किया जाता है, ठीक है। डेटा एक्वायर हो गया, एनालिसिस हो गई, प्रोसेस मतलब एनालिसिस हो गई और बाद में रिजल्ट्स स्टोर हो गए, फाइन। ओके, CDS का वर्क फ्लो क्या होता है, अभी पहले ही हम लोग एक स्टोरी के थ्रू समझ चुके हैं कि डेटा, देखो जो भी मेथड्स होते हैं, मेथड फाइल या सीक्वेंस फाइल क्या हो गया, जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज कर रहे हो वो मेथड्स हो गए, डेटा एक्वायर किया गया, एनालिटिकल रन किया गया, रन करने के बाद डेटा इंटीग्रेट किया गया, मतलब एनालिसिस के सारा डेटा कलेक्ट किया गया, फिर सिस्टम्स की सूटेबिलिटी चेक की गई, सूटेबल है तो उसके बाद एनालिसिस करते हैं, उसके बाद कैलकुलेट किया गया एनालाइट के साथ, रिपोर्ट रिजल्ट जनरेट किया गया। यही पूरे CDS का वर्क फ्लो है, ठीक है। पढ़ना चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, इतनी भी डिटेल में हमें नहीं बताना चाहिए था, बट तुम्हारा फील्ड है इसलिए थोड़ा सा चीज़ें इंक्लूड करी ताकि आपकी कनेक्टिविटी रहे, सिर्फ कंप्यूटर पे ही नहीं पढ़ते रहो, थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करी है। डिटेल आप लोग ज़्यादा अच्छे या जानते होगे या फिर आगे आगे पढ़ोगे, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफ डेटा सिस्टम, क्रोमेटोग्राफ मीन्स डेटा सेपरेशन वाला, जो वो कंपोनेंट सेपरेशन वाला क्या करते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे, जैसे एक इंटीग्रेटर होता है, ठीक है, क्रोमेटोग्राफ के टाइप्स हैं। इंटीग्रेटर क्या होता है, इसमें एक सिंगल यूजर होता है, एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट होता है जिनके थ्रू कंपोनेंट अलग अलग करते थे और डेटा एक्वायर करते थे या डेटा को कलेक्ट करते थे। फिर वर्क स्टेशन होता है, वर्क स्टेशन में सिंगल यूजर होता है, सिंगल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें डेटा एक्वायर भी किया जाता है और उसे कंट्रोल भी किया जाता है, ठीक है। जो एक्सेस में डेटा आता है अननेसेसरी उसे हटा देते हैं, सिर्फ काम की चीज को ही स्टोर करते हैं, फाइन। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आपको पढ़ा चुका हूँ कि क्लाइंट था या सर्वर था, ये रिक्वेस्ट भेजता है, ये रिक्वेस्ट को
सर्विस प्रोवाइड करता है। अब क्लाइंट बहुत सारे हो सकते हैं जो सर्वर के साथ, एक ही सर्वर के साथ कनेक्ट हो, राइट। तो इसमें क्या हो गया, मल्टीपल यूजर। अब हो सकता है बहुत सारे क्लाइंट या बहुत सारे सर्वर हो, राइट। तो मल्टीपल यूजर, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट डेटा एक्विजिशन विद ऑप्शन ऑफ कंट्रोल, फाइन। तो क्लाइंट सर्वर मल्टीपल यूजर, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट। वर्क स्टेशन में सिंगल यूजर, सिंगल इंस्ट्रूमेंट, बट डेटा भी कंट्रोल किया जाता है। इंटीग्रेटर में सिर्फ सिंगल यूजर होता है और सिंगल इंस्ट्रूमेंट होता है, डेटा एक्वायर करके रख लेते हैं, कोई कंट्रोल नहीं होता है। टर्मिनल सर्वर में मल्टीपल यूजर, टर्मिनल सर्वर, मल्टीपल यूजर बाई टर्मिनल सर्वर फॉर्म विद मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट एक्विजिशन विद द ऑप्शन ऑफ कंट्रोल, फाइन। इसमें मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट तो यूज होते ही थे, इसके साथ साथ टर्मिनल सर्वर, बहुत सारे टर्मिनल सर्वर भी यूज हो रहे हैं यहाँ पर, ताकि बहुत अगर बड़ा कोई सैंपल, बहुत सैंपल्स हैं उसमें से बहुत सारे काम करने हैं फैक्ट्री लेवल पे, या कह सकते हो तो बहुत सारे सर्वर भी लगाए जा सकते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क, CDS, एक CDS है, उसमें नेटवर्क के हिसाब से अगर हम बात करें, कंप्यूटर्स को अगर एक नेटवर्क में जोड़ा गया है, ठीक है, तो वहाँ पे कैसे क्या हो रहा होगा, देखो क्रोमेटोग्राफ होगा ही, जो डेटा से वो कलेक्शन में सैंपल सेपरेट कर रहा होगा, कंपोनेंट सेपरेशन, उसकी जो रिक्वेस्ट होगी उसे प्रोवाइड करने के लिए सर्वर तो होगा ही, कंप्यूटर है। उसके साथ साथ रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए प्रिंटर यूज कर रहा होगा, राइट। वर्क स्टेशन क्या होगा, जहाँ पे पूरा पूरा जो डेटा है कंट्रोल किया जा रहा होगा, डेटा कंट्रोल किया जा रहा होगा या एनालिसिस की जा रही होगी, फाइन, ओके। तो ये एक नेटवर्क, एक तरह का एग्जांपल है नेटवर्क CDS, उसमें आर्किटेक्चर इस तरह होता है। आर्किटेक्चर मीन्स कुछ नहीं, बस ये कंपोनेंट्स उसमें ऐड होते हैं। अब देखो इसमें जो पूरा क्रोमेटोग्राफी पे मेरा एक, मैंने एक चैप्टर पढ़ाया है, वो पूरा एक लेक्चर पढ़ाया है, वो अगर ना भी करते तो कुछ ना होता, सीधे हम CDS के बारे में बता सकते थे कि एक कंप्यूटर होता है, वो कंप्यूटर क्या करता है, जो क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म की गई है उसके डेटा को अपने में स्टोर करता है, कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है और उसके बाद रिजल्ट दे देता है, बस इतना भी बता सकते थे। बट अब क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, प्लेनर क्या है, कॉलम बेस्ड क्या है, थोड़ा सा आपको सेपरेशन कैसे होता है वो बताने के लिए मैंने इंक्लूड कर दिया था, ओके, फाइन। अगर और डिटेल में पढ़ना है तो इस वाले लिंक पे जाओ और वहाँ पे पूरी डिटेल में सारे मेथड्स एंड आयन एक्सचेंज ये सब कुछ वहाँ पे पढ़ सकते हो, फाइन, ओके।